हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, मोदी केयर का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मैं आज आप लोग के बीच में लेकर आया हूं, जिसका नाम है फ्लेक्स ऑयल। आप देख सकते हैं, यह है, जी हाँ दोस्तों, यह है मोदी केयर का वेल फ्लेक्स ऑयल। ये बहुत ही बेहतरीन मोदी केयर का प्रोडक्ट है। चलिए, इसके बारे में आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा कि इसको किसको किसको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, किन बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको पूरा जानने से पहले, अगर मेरा यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी इस प्रकार का वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको मोदी केयर का वेल फ्लेक्स ऑयल। दोस्तों, फ्लेक्स ऑयल जो होता है, टीन सेट से तैयार किया जाता है, अलसी के तेल से तैयार किया जाता है, जिसको देहातों में तीसी भी कहते हैं, तीसी का तेल भी बनता है, उससे यह जो है कैप्सूल तैयार किया जाता है मोदी केयर का। दोस्तों, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और हमें स्वस्थ रहने में बहुत ही मदद करता है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तीनों फैटी एसिड पाया जाता है। एक प्रकार का यह फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बहुत ही स्ट्रांग रखता है और किसी भी प्रकार का रोग होने से हमें बचाता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग होने से हमें बचाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इम्यूनिटी पावर जब स्ट्रांग रहती है तो किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया को हमारा शरीर जो है मार देता है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो हमें किसी प्रकार का ऐसा रोग नहीं होता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड को हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, जो कि हमें यह वेजिटेबल से, फ्रूट से और नट से, सीड से ही प्राप्त होता है। और इसको हम अपने शरीर में, हमारी शरीर अपने आप नहीं बनाती है, इसके लिए हमें अलग से इस प्रकार का या तो फूड लेना पड़ता है या तो सप्लीमेंट लेना पड़ता है, तब जाकर के हमारी शरीर में इसकी मात्रा मिलती है या प्रचुरता होती है, क्योंकि हमारी शरीर अपने आप ओमेगा 3, ओमेगा 6 को नहीं बनाती है। इसके अलावा दोस्तों, उसमें जो होता है ओमेगा 9 भी है, जिसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। ये शरीर हमारी अपने आप बना लेती है, ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है, इसको हमारी शरीर अपने आप बना लेती है। जिसको बता दें दोस्तों कि अगर ओमेगा 9 अगर बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाता है तो फैट बढ़ने लगता है, जिसको कि बैलेंस ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो होता है फैटी एसिड, हमारे शरीर के फैट को बैलेंस करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा आदमी है तो यह मोदी केयर का फ्लेक्स ऑयल चलाए, यह फैट को भी बर्न करता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रखता है, किसी प्रकार के शरीर में बीमारी नहीं होती है। इतना ही नहीं, उसके स्किन पे जो है किसी प्रकार का एक्जिमा, सोराइसिस, दाद भी नहीं होता है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने से। और मोटे लोग अगर हैं तो उनको हर प्रकार से बचाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को जो है बढ़ने नहीं देता है, जो HDL जो होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको जो है बनने नहीं देता है, उसको कम कर देता है, LDL को बनाता है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, और हमारे हृदय को जो है स्वस्थ रखता है मोदी केयर का या फ्लेक्स ऑयल। दोस्तों, मैं बता दूं कि ओमेगा 3 को हम अल्फा लेनोलेनिक एसिड कहते हैं और ओमेगा 6 को जो है लेनोलेनिक एसिड कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो फ्लेक्स ऑयल है मोदी केयर का, इसमें ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मछली में भी पाया जाता है दोस्तों, लेकिन तो मछली की अपेक्षा इसमें 50% जो है ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है मोदी केयर के फ्लेक्स ऑयल में। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें जो है बहुत मात्रा में ओमेगा 6 भी पाया जाता है, ओमेगा 9 भी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फ्लेक्स ऑयल हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और मोदी केयर का जो फ्लेक्स ऑयल है बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह 100% प्योर होता है और मैं बता दूं कि ओमेगा 3 और 6 जो होता है कैंसर से हमें बचाता है, जो कैंसर के सेल होते हैं उनको डेवलप नहीं होने देता है और कैंसर को भी ख़त्म कर देता है। जो मोदी केयर का फ्लेक्स ऑयल है, बढ़ती हुई उम्र को भी रोक देता है। अगर आपकी एज बहुत जल्दी से ढल रही है तो मोदी केयर का फ्लेक्स ऑयल यूज करिए, आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोक देता है। और मैं बता दूं कि अगर किसी के बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं तो फ्लेक्स ऑयल का प्रयोग करें,
इससे बालों का गिरना बहुत तेज़ी से कम हो जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ई की भी मात्रा होती है। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे स्किन में नमी बनाए रहता है और जो बाल जो होते हैं रूखे हो जाते हैं, इससे जो है रूखापन बालों का ख़त्म हो जाता है, जिससे कि बाल बहुत तेज़ी से जिसका गिरता है वो झड़ना कम हो जाता है। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने की वजह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बढ़ जाती है, जिससे हमारे स्कल्प में जो है रूसी भी नहीं हो पाती है, रूसी को भी यह ख़त्म कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह हमारे पाचन तंत्र को भी सही करता है, हमारा डाइजेशन सही रखता है, जिससे कि हमारा लीवर सही रहता है और शरीर में किसी प्रकार का सूजन हो, कहीं भी हो, गांठ बन रही हो तो उसको ख़त्म कर देता है, सूजन नहीं बनने देता है, गांठ नहीं बनने देता है। अगर गठिया की भी किसी को शिकायत हो तो मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल यूज कर सकता है और धीरे 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 यूज करते करते धीरे धीरे आप देखेंगे कि गठिया का जो शिकायत है, जो हड्डी के जोड़ों में सूजन है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जिससे कि गठिया की समस्या ख़त्म हो जाती है। बहुत सी महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद जो होता है, मेंस्ट्रुएशन के बाद जो होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, तो उनके शरीर में बहुत तेज़ी से चेंजेज आते हैं, उस चेंजेस को रोक देता है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो समस्या क्रिएट नहीं होने देता है। अगर आप मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल चला रहे हैं तो आपके शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के स्तन कैंसर को भी रोक देता है। अगर महिलाएं अगर इसका यूज कर रही हैं फ्लैक्स ऑयल का, तो उनको स्तन कैंसर से भी बचाता है। अगर किसी को स्तन कैंसर है तो इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे जो गांठ होती है वो गला देगा, जो सूजन होगी उसको भी ख़त्म कर देता है मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होता है, फैट को बहुत तेज़ी से बर्न करता है। जो मोटे लोग हैं जिनकी चर्बी बहुत ज़्यादा है, थुतली शरीर है, तो मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल यूज करें, उनका धीरे धीरे जो है चर्बी घट जाता है और वजन भी घट जाता है, जिससे कि मोटाई उनकी जो है घट जाती है। फ्लैक्स ऑयल में फैटी एसिड के अलावा इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी के चेहरे पर कील मुहासे हैं, बहुत तेज़ी से एक्जिमा है और गर्दन के बगल में बहुत से लोगों को यहाँ एक्जिमा हो जाता है पसीने की वजह से, अगर ऐसे लोग नहीं ख़त्म हो रहा है तो फ्लैक्स ऑयल का प्रयोग करें, धीरे धीरे जो है यह कील मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इतना ही नहीं, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकाल देता है, चाहे लीवर में हो, चाहे ब्लड में हो, चाहे स्किन में हो, हमारे पूरे शरीर के टॉक्सिन को जो है बाहर निकाल देता है। और मैं बता दूँ कि IBS एक प्रकार की बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि पेट की एक समस्या होती है, हमेशा पेट में दर्द, चुभन, गैस, एसिडिटी, ऐसी समस्याएं बनती हैं उसमें, तो इस समस्या को भी ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। और डायरिया अगर किसी की शिकायत हो, किसी को कब्जियत की शिकायत हो, तो फ्लैक्स ऑयल इसको चलाए, धीरे धीरे यह समस्या ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों किसी का ब्लड बहुत तेज़ी से क्लाट हो रहा है या पैरालिसिस हो रहा है, ब्रेन हैमरेज का, हार्ट अटैक का कोई मरीज हो, तो कहीं ना कहीं ब्लड क्लाट करता है। अगर ऐसे मरीज हैं, पैरालिसिस हैं, लकवा के पेशेंट हैं, ब्रेन हैमरेज के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हो, तो आप जो है मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल यूज करें, आपका ब्लड जो है पतला रखता है और ब्लड क्लाट नहीं होने देता है, जिससे कि दोबारा यह शिकायत नहीं होने पाती है जब आप फ्लैक्स ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि यह ब्लड थीनर का भी काम करता है, ब्लड को हमारे पतला रखता है, जिससे कि दोबारा यह शिकायत नहीं होती है। अगर मेरा यह वीडियो आप देख रहे हैं तो यह ज़रूर किसी को बताएं कि ऐसे अगर पेशेंट हैं तो इसका प्रयोग करें, यह ब्लड को पतला रखता है, इसके बाद जो है अलग से आपको ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक निर्देश मैं बताऊंगा कि अगर कोई इस प्रकार के पेशेंट है जो कि ऑपरेशन कराना चाहते हो या ऑपरेशन हुआ है, तो फ्लैक्स ऑयल का प्रयोग न करें, क्योंकि जब इसको खाते रहते हो तो ब्लड का जो फ्लो होता है रुकता नहीं है, ब्लड क्लाट नहीं जल्दी होता है, जिससे कि समस्या आ सकती है। ब्लड जल्दी रुकता नहीं है तो ब्लड बहता ही रह जाएगा ऑपरेशन के समय, तो ब्लड में समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो इसका प्रयोग न करें, ऑपरेशन के समय तक प्रयोग न करें, ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही इसका प्रयोग करें। और इतना इसके बाद जो महिलाएँ गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो इसका प्रयोग न करें। जो लैक्टेशन कराती हैं, दूध पिलाती हैं, ऐसी महिलाएँ भी जो है इसका प्रयोग न करें। एक निर्देश और बता दो, अगर कोई इसका प्रयोग कर रहा है तो अगर उसको एलर्जी हो रही हो, वोमिटिंग लग रहा हो, चक्कर की तरह आ रहा हो, तो फ्लैक्स ऑयल को बंद कर दे, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो अगर ऐसी समस्या खड़ी हो रही तो अपने डॉक्टर किसी से कंसल्ट कर लें और जा करके उसे सलाह लें। मेरा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।